नमस्कार, मैं हूं विवेक श्रीवास्तव। इस वक्त आप देख रहे हैं डिजास्टर। गुजरात टू दिल्ली, बंगाल में मुसीबत बड़ी। पश्चिम में लापरवाही से मासूमों की तो जान चली गई, दिल्ली में आग के तांडव से दहशत फैल गई, लेकिन पूरब में बड़ी तबाही ने दस्तक दी। एक तूफान सैकड़ों जिंदगियों पर खतरा बनकर मंडरा रहा है। उस साइक्लोन का नाम है रेमन, जो किसी भी वक्त पश्चिम बंगाल के तट से टकरा सकता है। इस पर पीएम मोदी की भी नजर है, उन्होंने अधिकारियों के साथ बैठक की है। लेकिन सवाल यह है कि तूफान कितना खतरनाक है। ये इस पर इसको समझने के लिए हमने एक रिपोर्ट बनाई है, देखिए। सावधान, समंदर से तबाही लेकर आ रहा चक्रवाती तूफान रेमल। उसकी आहट भर से कोलकाता में फ्लाइट रद्द, एयरपोर्ट बंद, ट्रेनों के पहिए रोक दिए गए। 26 मई की सुबह से ही मानो जिंदगी थम सी गई है। बंगाल की खाड़ी से उठे तूफान ने 10 राज्यों में डर का माहौल बना दिया है। तेज रफ्तार से सनसनाती हवाएं मानो सब कुछ उड़ाने पर आमादा हैं। और ऊंची लहरें इंसानी बस्तियों की ओर पूरी ताकत के साथ हमला कर रही हैं। लैंडफॉल रात को होगा, लेकिन 12 घंटे पहले से तूफान अपना नजारा दिखा देता है। ये बता देता है कि वो आ रहा है और अपना मंजर का ये पायलट किस तरह से दिखाता है, जरा उसकी बानगी देख लीजिए। लहरें माना जाएगा कि करीब 6 से 10 फीट ऊंची जाएंगी और हो सकता है उससे भी ज्यादा जाएगी। चक्रवात रेमल भीषण चक्रवाती तूफान में तब्दील हो गया है। ये किसी भी वक्त पश्चिम बंगाल और बांग्लादेश के समुद्री तट से टकरा सकता है। ये कितना खतरनाक हो सकता है, इसकी जानकारी मौसम विभाग ने दी है। मौसम विभाग का दावा है कि जब ये तूफान पश्चिम बंगाल के तट से टकराएगा तो और बेकाबू हो जाएगा। टकराते वक्त इसकी रफ्तार 110 से 120 किलोमीटर प्रति घंटे होगी। उसके बाद स्पीड 135 किलोमीटर प्रति घंटा तक जाएगी। समंदर की लहरें कई मीटर ऊंची हो जाएंगी। जरा सोचिए, बारिश के साथ 135 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार वाली हवाएं पश्चिम बंगाल में कितनी तबाही मचा सकती हैं। लैंडफॉल के टाइम पे आईएमडी की प्रेडिक्शन है कि इसकी सस्टेनेबल जो विंड स्पीड है 120 टू 130 किलोमीटर पर आर होगी और जो गस्टिंग विंड है वो 135 तक जाएगी। रेमल मानसून से पहले बंगाल की खाड़ी में आने वाला पहला चक्रवात है। रेमल के टकराने से पहले ही पश्चिम बंगाल के तटीय जिलों में बारिश होने लगी थी। देर रात कोलकाता और आसपास के क्षेत्रों में भारी से बहुत भारी बारिश होने का अनुमान है। असम और मेघालय में भी भारी बारिश होने की आशंका है। मणिपुर, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश और त्रिपुरा में 27 और 28 मई को भारी से बहुत भारी बारिश हो सकती है। सबसे ज्यादा इम्पैक्ट जो है वो बहुत घन वर्षा का है। हाँ, बहुत वर्षा, तेज वर्षा होगी, क्योंकि ये आप देख रहे हैं ना, इतने क्लाउडिंग इतना यहाँ हुआ पड़ा है, तो ये जो जब यहाँ जाके टकराएगा वो और भी बारिश वहाँ देगी। 1.5 मीटर तक की तूफानी लहर उठने की वजह से निचले इलाकों में पानी भरने की आशंका है। इसलिए मौसम विभाग ने मछुआरों को सोमवार सुबह तक उत्तरी बंगाल की खाड़ी में समुद्र में न जाने की सलाह दी है। यही नहीं, जान माल की रक्षा के लिए रविवार सुबह से ही घूम घूम कर समुद्र तट से दूर रहने के लिए अनाउंस भी किया जा रहा है। इस तरह से लगातार माइकिंग हो रही है। माइकिंग का मतलब है कि माइक पर लोगों को बताया जा रहा है कि वो इधर समुद्री तट के से जितना संभव हो सके दूर रहे। सुबह से ही बारिश हो रही है, कभी तेज हो रही है, कभी धीरे हो रही है, लेकिन लहरें आपको बता देंगी कि किस तरह से सामान्य लहरों की जो ऊंचाई होती है उससे कई ज्यादा गुना ऊंचाई धीरे धीरे बढ़ने लग गई है। अभी तक जो है स्टेट गवर्नमेंट की रिक्वेस्ट पे हमने 14 NDRF की टीम जो है वो साउथ बंगाल में डिप्लॉय की हुई है
उसमें दो टीम पूर्व मेदिनीपुर में, दो टीम साउथ पश्चिम मेदिनीपुर में, एक हावड़ा एक हुगली। इसके अलावा जो है साउथ 24 परगना में इंक्लूडिंग सागर आइलैंड में तीन टीम है, नॉर्थ 24 परगना में दो टीम है, नदिया और मुर्शिदाबाद में एक एक टीम और कोलकाता में एक टीम। पश्चिम बंगाल में सबसे ज्यादा असर उत्तर और दक्षिण 24 परगना, पूर्व मेदिनीपुर, कोलकाता, हावड़ा और हुगली जिलों में होगा। उत्तर और दक्षिण 24 परगना और पूर्व मेदिनीपुर जिलों में सबसे ज्यादा भारी बारिश होने का अनुमान है, इसलिए इन क्षेत्रों के लिए रेड अलर्ट जारी किया गया है। नादिया और मुर्शिदाबाद जिलों में भी 27-28 मई को भारी से बहुत भारी बारिश हो सकती है, इसलिए इन क्षेत्रों में सबसे ज्यादा रेस्क्यू टीम को तैनात किया गया है ताकि रेमल के हमले से लोगों को बचाया जा सके। मान के चलिए कि आज बरसात शुरू हो गई ऑलरेडी और कल दोपहर तक ये बरसात चलती रहेगी, मतलब घना बरसात, फिर धीरे धीरे कम होती जाएगी। सवाल है, बंगाल की खाड़ी में तूफान आया कैसे और इसका नाम रेमल क्यों रखा गया? रेमल अरबी भाषा का शब्द है। रेमल का मतलब रेत होता है। ब्यूरो ऑफ मेट्रोलॉजी की माने तो इस तरह के चक्रवात के लिए समंदर में खास तरह की स्थिति जिम्मेदार होती है। ऐसे तूफान तभी बनते हैं जब समुद्री सतह का तापमान 26.5 डिग्री सेल्सियस से अधिक हो जाता है। गर्म होकर नमी वाली हवाएं इस दौरान ऊपर उठने लगती हैं। हवाएं जैसे जैसे ऊपर की तरफ उठती हैं, वैसे वैसे नीचे की तरफ लो प्रेशर जोन बनने लगता है। इस दौरान आसपास की हवाओं से कम दबाव वाले क्षेत्र पर प्रेशर बढ़ने लगता है और चक्रवात का निर्माण होता है। रेमल चक्रवात को बनाने में समुद्री सतह की गर्मी का अहम रोल होता है। आसान शब्दों में कहें तो समुद्र के तापमान की सतह का तापमान बढ़ने से इस चक्रवात को और अधिक ऊर्जा मिलती है, जिसकी वजह से ये बेकाबू हो जाता है और जिस रास्ते से गुजरता है तबाही के निशान छोड़ जाता है। हमारे ये बे ऑफ बंगाल बहुत गर्म रहता ही है और प्लस ये मान लीजिए जो ऊपर के किसी हिस्से में सपोज कहीं से कोई बोलते हैं कि साइक्लोनिक सर्कुलेशन बोलते हैं, वो सपोज वहाँ आगे पहुँच जाता है बे ऑफ बंगाल में, तो फिर उसको वो और भी तेज बनाता है। पश्चिम बंगाल, ओडिशा और बांग्लादेश के लोग दिल थाम कर घरों में बैठे हैं। सनसनाती हवाएं और बारिश उन्हें डरा तो रही है, लेकिन सरकारी तैयारियों की वजह से उन्हें राहत मिलने की उम्मीद है। लोग प्रार्थना कर रहे हैं कि किसी तरह ये संकट टल जाए। रेमल की आहट ने सबको डरा दिया है, तैयारियां की जा रही हैं, लेकिन इस समय पश्चिम बंगाल के दीघा में क्या हो रहा है, हमारी संवाददाता मनोज्ञा लोहिवाल वहां से रिपोर्ट कर रही है। देखिए, चक्रवाती तूफान रेमल अब तेज बारिश और उससे भी तेज और ऊंची लहरों के साथ आगाज कर चुका है। लैंडफॉल की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है और मैं इस समय हूँ दीघा में, जहाँ पर लगातार लोगों को हटाया जा रहा है। कई ऐसे सैलानी हैं जो अभी भी इन इलाकों में, तटवर्ती इलाकों में खड़े हैं या फिर इंतजार कर रहे हैं या फिर देखना चाहते हैं, लेकिन ये पूरी तरह से सेफ नहीं है। कई बातों का ध्यान रखा जा रहा है क्योंकि हवाएं तेज हो रही हैं, उसके साथ बारिश बढ़ती चली जाएगी और करीब 120 से 130 किलोमीटर की रफ्तार से लैंडफॉल हो रहा है, खासतौर से दक्षिण 24 परगना के सुंदरबन इलाके में और वहीं साथ ही साथ बांग्लादेश के इलाके में, जहां पर साइक्लोन रेमल लैंडफॉल करेगा। और इस तरह से ही एहतियाती तौर पर लोगों को हटाया जा रहा है, सजग किया जा रहा है कि जितना हो सके कोई भी व्यक्ति इन इलाकों में न दिखे।